हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजन रोटो पार्ट। तो आज बेसिकली आपके लिए नई वीडियो लाए नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। प्रॉब्लम क्या रहती है, जैसे आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, बारिश का महीना चल रहा है, तो इस बारिश के महीने में लोगों की दिक्कत आती रहती है कि भाई हमारा क्लस्टर खराब हो गया है, मैग्नेट खराब हो गई है या मैग्नेट जल गई है। तो बहुत से ऐसे लोगों की प्रॉब्लम आती रहती है। मेरे पास प्रॉब्लम आई थी कि भाई हमारी मैग्नेट बार बार खराब हो जाती है, तो उससे रिलेटेड आज हम आपको बताएंगे। तो बारिश के महीने में क्या रहता है कि बारिश के महीने में पानी भर जाता है रोडों पे, घरों में या कई जगहों पे पानी भर जाता है। उस पानी भरने से क्या होता है, जब आपकी गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है और कंप्रेसर हो जाता है नीचे की तरफ, तो जब पानी आपका लेवल बढ़ता है तो कंप्रेसर में पानी चला जाता है, जिससे उसके अंदर वो पानी भर जाता है, तो वो कंप्रेसर की क्लच हेड ख़राब हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बारिश के मौसम में गाड़ी अपनी ऐसी जगह खड़ी करें जहाँ पानी कम भरता है। और 1% आपको ध्यान नहीं है, पानी भर गया गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो जल्दी जल्दी कोशिश कीजिएगा वहाँ से अपनी गाड़ी हटाएं, गाड़ी हटा के ऐसी जगह खड़ी करें जहाँ पानी नहीं है। और दूसरी बात, ये अगर पानी चला भी गया है तो उसी टाइम एसी ना चलाएं, उसके थोड़ी देर बाद चलाएं, और उसको सूखने दें, सूखने के बाद उसको एसी चलाएं। क्योंकि क्या होता है कि पानी जाने की वजह से कंप्रेसर में मैग्नेट जो होती है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो करंट जाने के बाद वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट होने की वजह से वो आपकी मैग्नेट ख़राब हो जाती है, नहीं तो क्लस्टर ख़राब हो जाता है या क्लच ख़राब हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बारिश के टाइम पे जहाँ पानी भरता है वहाँ अपनी गाड़ी ना खड़ी करें। खड़ी भी कर दी है तो मैंने आपको उसका एक सोल्यूशन बता दिया। और बहुत से लोगों की मेरे पास ये भी डिमांड आती है कि भैया हमारा खाली क्लच ख़राब है, क्लच सेट बदले या क्या करें। आप एक बार कोशिश ये कीजिएगा खाली क्लच बदल के देख लीजिएगा, अगर आपकी क्लच बदलने के बाद प्रॉपर एसी वर्किंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1% क्लच बदलने से प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही है तो बार बार आपको क्लच बदलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लच सपोर्ट नहीं कर पा रही है, आपके क्लच सेट में दिक्कत है। पूरा क्लच सेट ही चेंज करें। क्लच सेट में 3 आइटम्स आती हैं। पहली चीज़ आती है हमारी एक मैग्नेट, दूसरी आती है हमारी क्लच, और तीसरी है हमारी पुल्ली। ये 3 चीज़ों का सेट आता है जिसको कहते हैं हम क्लच सेट कहते हैं। एक बार आपको क्लच सेट मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या आइटम्स होती हैं और क्या क्या कहते हैं उनको। तो आपको मैं एक बार आइटम दिखा देता हूँ, वो आइटम क्या है चलो देखते हैं। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये पूरा क्लच सेट है गाड़ी का। इस क्लच सेट के अंदर ये मैग्नेट होती है हमारी, ये इसकी पुली है विद बेयरिंग के साथ आएगी, और ये होती क्लच। तो हर गाड़ी का जो क्लच सेट होता है बिल्कुल अलग होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं जो पानी में जाने की वजह से शॉर्ट हो जाते हैं, और ये मैग्नेट है जो ज़्यादातर शॉर्ट होती है पानी जाने की वजह से। तो ये 3 सेट आता है क्लच सेट, इसको हम कहते हैं। तो किसी भी गाड़ी का दिक्कत आती है तो मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। और कोई आपकी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी आइटम का आपको प्राइस चाहिए या उसकी क्या आपको चाहिए कि डिलीवरी कब हो जाएगी कैसे भी, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर है, इन पर कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हमारे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि क्लच सेट के रिलेटेड इशू में आपने क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है। तो ऐसे ही कार एसी पार्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना रंजन ऑटो पार्ट्स के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।